सभी को मेरा नमस्कार। मैं देवांशु आज फिर आप लोग के सामने प्रस्तुत करती हूँ श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 52 श्लोक की व्याख्या। यदा ते मोह कलीलं बुद्धि व्यर्यति रश्यति तदागन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। कर्म के फल का मोह या रिश्तों का मोह या धन और ऐश्वर्य का मोह, यही मोह हमें फंसाता है। जब बुद्धि मोह के दलदल से निकल जाती है तब परमात्मा के पास आने की राह निकल आती है। रिश्ते धन ऐश्वर्य बुरा नहीं, सिर्फ मोह बुरा है, क्योंकि इनका जब लगाव वस्तुओं से हो जाता है तो सोचने की शक्ति कम हो जाती है, बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, फैसले गलत हो जाते हैं, इसलिए इस मोह को बुरा बताया गया है। धृतराष्ट्र के पुत्र मोह से ही बुरा महाभारत हुआ। युधिष्ठिर के दूत या जुओ के मोह में उनका पूरा राज्य चला गया था। दोस्तों, ये उस समय की ही बात नहीं है, आप आजकल भी इसके उदाहरण अपने आसपास देख सकते हैं। तो ये थी 52 श्लोक की व्याख्या। कल मैं आप लोग के सामने फिर प्रस्तुत करूंगी नए श्लोक की नई व्याख्या। तब तक के लिए नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण।